नमस्कार देवी और सज्जनों एंड हेलो दोस्तों, आप सबका फिर एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फेवरेट इस YouTube चैनल द राइट वे में। आज हम दोनों निकल गए हैं, आज हम लोगों का यहाँ बंगाली नया साल है, इधर आओ। बंगाली नया साल है तो इसलिए हम दोनों निकले हैं और अभी हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों का लोकल रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे जाएंगे खाना वगैरह खाएंगे और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। यहाँ पे बहुत पास में माइक बज रहा है, आवाज़ आ रहा है बहुत, तो शायद सुनाई नहीं देगा, क्या होगा पता नहीं। यहाँ पे कुछ मेला लगा हुआ है तो चलिए जाते हैं, टोटो से जाएंगे, लेदर्स भी जाएंगे, वहाँ पे जूता भी खरीदेंगे, लेदर्स का शोरूम भी दिखाएंगे आप सबको। चलिए देखते हैं। 15 अप्रैल 2021 यानी बंगाली न्यू ईयर के दिन, बांग्ला नववर्ष का दिन, मैं और मेरे मिसेस श्रीलेदर्स के शोरूम से जूता खरीदने के लिए, मेरे मिसेस के लिए निकले और उसके बाद एक होटल हिल्टन कह के रेस्टोरेंट से खाना खा के घर वापस आए। और ये होटल हिल्टन में इससे पहले जो रिव्यू किया था ट्यूलिप रेस्टोरेंट का, उसी के पास में ही, ठीक बगल में ही है। तो आप लोग अगर मेरा ट्यूलिप वाला रेस्टोरेंट का रिव्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में जूता खरीदते समय आप लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, और हम लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम ऐसे भी हुए जो अनएक्सपेक्टेड था, तो वो प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकले, क्या उसका सॉल्यूशन था, ये सब हम लोग बहुत बहुत डिटेल्स में इस वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो के एंड तक जरूर पूरा देखिएगा। और इस चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो जरूर मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लेने के बाद पास में जो बेल बटन आएगा उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं आगे जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को YouTube को Gmail से लॉगिन होना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग मेरा इस वीडियो के नीचे कमेंट भी नहीं कर पाएंगे और लाइक करके मुझे उत्साह भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप लोगों का YouTube में अपने Gmail से लॉगिन नहीं किया है तो जरूर लॉगिन कर लीजिए। और मैं जैसे पहले कई बार कह चुका हूँ और भी कह देता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मुझे जरा उत्साह दे दीजिएगा। अभी हम लोग आ गए हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। श्रीलेदर्स का शोरूम बैठ दिया ना, छोटो सैंडल ना पहना, आंगुल वाला ना, जमन तो छिलो वही साइज होगा। आप चाहे आदमी हो या औरत, जूता खरीदते समय अच्छे से वो जूता पहन के शोरूम के अंदर चल के अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जूता अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो पैर में आपका काफ़ी तकलीफ आ सकता है। नेचुरली सैंडल जो होता है, आदमी हो या औरत, एक साइज छोटा ही लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो सैंडल थोड़ा बहुत पैर के हिसाब से एडजस्ट होके वो चमड़ा जूते का खुल के बड़ा हो जाता है। और ये जूते को और भी क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है इसके लिए मैंने और भी एक इसके बारे में वीडियो बना के रखा है, उसका वीडियो का भी लिंक्स ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उसे चेक कर लीजिएगा। फाइनली ये जूता पसंद हुआ था मेरे मिसेस को, उनको एक्चुअल में पसंद नहीं आया क्योंकि कलर उनको शायद पसंद नहीं है या पैर में ये वाला हिस्सा उनको लग रहा है, लेकिन मैंने बताया कि चलते चलते वो लूज़ हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हिल वो पहन नहीं पाते, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि चांदीपुर में वो गिर गई थी तो इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरा कुछ और लेना चाहती है? चलो
ये हम अभी आ गए हैं होटल हिल्टन पे। यहाँ पे हम लोग अभी आज पहला बैशाख बंगाली न्यू ईयर के दिन खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम इसको अभी होटल हिल्टन को रिव्यू करने वाले हैं। हम लोग जो बंगाली न्यू ईयर के दिन यानी बांग्ला नववर्ष का दिन खाने के लिए गए होटल हिल्टन पर, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके थे और ये होटल हिल्टन पे इतना सारा सेटिंग कैपेसिटी ना होने पर हम लोगों को लगभग एक घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग खाने के लिए हम लोगों को जगह मिला। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, कोई भी प्लेस पे अगर आप ओकेशन के दिन खाने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत हाथों में टाइम लेके जाइए और हो सके तो पहले से ही वहाँ पे पहुँच जाइए। हम लोग यहाँ पे लगभग 7:30-8 बजे तक पहुँच चुके थे, लेकिन हम लोगों को खाना मिलने के लिए सीट मिलते मिलते हम लोगों को लगभग 8:15 बज गए थे। आ गए हैं हम होटल हिल्टन पे। ये मैच चल रहा है आईपीएल का, बहुत सारा लोग यहाँ पे। आज पहला बैशाख न्यू ईयर का दिन इतना भीड़ है 40 मिनट के ऊपर वेटिंग करना पड़ा फिर जाके ये सब हम लोगों को खाने के लिए मिला। हम लोगों को परफेक्ट सेट मिले। तो ऑर्डर जो हम लोग किए यहाँ पे तंदूरी पॉम्पलेट स्टार्टर पे 240 तंदूरी पॉम्पलेट। चिली फिश किधर था, चिकन भरता 1 प्लेट 140 और तंदूरी रोटी बटर 2 पीस मेरे मिसेस के लिए 30 करके। और यहाँ पे चिकन नूडल्स मैंने ऑर्डर किया है 1 प्लेट 150 चिकन नूडल्स 150। और यहाँ पे ऑर्डर किया था हम लोग फिश चिली 8 पीस 190 ग्रेवी 1 प्लेट 190 ग्रेवी। ये हम लोगों का पॉम्पलेट तंदूर आ गया है 240 रुपीज़ 2 पीस मीडियम स्टैंडर्ड साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना सही साइज है। यह है अभी हम लोग खाना शुरू कर दिया है फिश तंदूर मैं पहले भी कई बार खा चुका हूँ, जो खाया नहीं कभी भी चिली फिश वो आएगा वो खाऊंगा। तो यहाँ पे ये कासुंदी के साथ तो पूछ लेते हैं टेस्ट ठीक है। आ गया है मेन कोर्स नूडल्स चिली फिश चिकन नूडल्स चिली फिश
चिकन भरता और तंदूरी रोटी बटर के साथ। तो ये अभी हम लोग खाने वाला है, शुरू करते हैं। रोटी ले लो। एक प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था कि बटर ब्रेड हम लोग जो ऑर्डर किए थे वो 2 पीस ऑर्डर किए थे, तो उनमें से 1 पीस में उन लोगों ने बटर लगा था और 1 पीस में बिना बटर के ही लेके चले आए थे। तो ये सब जो हो रहा था मुझे समझ में आ रहा था कि ये ओवर क्राउडेड के वजह से हो रहा था। वो लोग मतलब इतने सारे गेस्ट को संभालने में थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं है, बाद में जैसे ही हम लोग पहले इन्फॉर्म किए तो साथ ही साथ वो लोग कुछ बिना बोले ही झटक से बटर लगा के दे के गए। जैसे कि हम लोग खाने के टाइम चिली फिश ऑर्डर किए थे, लेकिन यहाँ पे ओवर क्राउडेड होने के कारण और इन लोगों के पास जो ऑपरेशन में स्टाफ होते हैं वो ऑपरेशन में स्टाफ वेटर्स ये सब कम होने के कारण ये लोग उतना हड़बड़ी में हम लोगों को चिली चिकन सर्व कर दिया चिली फिश के जगह में। बाद में हम लोगों को मुझे भी खाने का टाइम लगा कि ये चिली चिकन है चिली फिश नहीं है, तो मैंने मेरे मिसेस से पूछा तो मेरे मिसेस ने भी मुझे कंफ्यूज कर दिया कि कहा कि नहीं ये चिली फिश ही है। बाद में जब मेरा बिल बन के आए तब मुझे पता चला कि नहीं वो चिली चिकन ही था। तो ये थोड़ा बहुत हम दोनों के तरफ से ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मैं पूरा दोष तो होटल वालों को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ उन लोगों के पास स्टाफ कम था और हड़बड़ी में ये हो गया। फिर भी मुझे भी कहना चाहिए था ऑन द पॉइंट, अगर मैं कह देता तो शायद ये लोग मुझे चिली फिश बना के भी दे देते, लेकिन तब तक हम लोग बिना समझ के ही बिना कुछ बोले ही खा चुके थे, तो ज़्यादातर दोष ये हम लोगों को ही जाता है। फिर भी मैं अगर पहले इन्फॉर्म कर देता तो शायद मेरा चिली चिकन के जगह चिली फिश भी वो लोग बना देते जो मैंने एक्चुअल में चिली फिश ऑर्डर किए थे। चिली फिश जो है तो शायद चिली चिकन दे दिया, मुझे देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका खाने में कोई प्रॉब्लम है कि प्लेट चेंज हो गया है, ये डिश आपने ऑर्डर नहीं किया था, या आप खाने में कुछ प्रॉब्लम है, खाना ख़राब है, तो पहले ही थोड़ा चख के आप अच्छे से इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये खाने में कुछ प्रॉब्लम है कि ये चेंज हो गया है। जो प्रॉब्लम है उसे इन्फॉर्म कीजिए तो होटल वाले ज़रूर आपका वो चेंज कर देते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर होटल में अच्छे से अच्छे होटल में यही होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा गलती से 70% गलती तो हम लोगों का ही था कि हम लोग उनको कुछ बता ही नहीं कि हम लोगों का प्लेट चेंज हो गया है, तो वो लोग कैसे जान पाते। हो सकता है हड़बड़ी में ये ओवर क्राउडेड होने के कारण वो लोग अनविलिंगली ये मिस्टेक कर बैठे। फिर भी कोई बात नहीं है, होटल हिल्टन का इसके बारे में मैं कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में मसाला कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिया, तो हम लोगों का खाना थोड़ा हाई हो गया, मसाला कोल्ड ड्रिंक्स 40 रुपए करके। अभी हम लोग निकले तो एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग जो चिली फिश ऑर्डर दिए थे चिली फिश ऑर्डर के जगह आ गया ऑर्डर चिली चिकन। दाम कम पड़ा 10 रुपया, वो बात अलग है, लेकिन जो ऑर्डर किया वो नहीं मिला। वो खाना के लिए बहुत दिनों से मन था, लेकिन वो छोड़ के दूसरा खाना मिल गया। चलिए कोई बात नहीं है, रेस्टोरेंट का प्राइस बहुत ही सस्ता है, खाना का क्वालिटी अच्छा है, और ख़ास करके आप अगर कोई ओकेशन के दिन आते हैं तो ओकेशन के दिन में प्रॉब्लम ये होगा आपको कि जगह नहीं मिलेगा, टाइम लेके आइएगा बहुत टाइम लगेगा। ये ट्यूलिप रेस्टोरेंट है, इसका रिव्यू मैंने पहले कर चुका हूँ, देख सकते हैं मेरा और एक फूड ब्लॉग में ट्यूलिप रेस्टोरेंट। और मेरे मिसेस को पूछते हैं तुमको यहाँ का खाना कैसा लगा, खाने का क्वालिटी कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, प्रॉब्लम क्या लगा? कुछ नहीं।
गलती जो है वो इंसान मात्र ही होता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती का कारण ढूंढ के उसे सुधार लेता है वो सच में अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाता है। ये वीडियो मेरा होटल हिल्टन को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल ही नहीं है। उन लोगों का कोई खास करके तो दोस्त भी नहीं है, फिर भी जो था वो था। मैं हमेशा सच कहता हूँ और सच ही बताता हूँ। कोई ये मेरा प्रोमोशनल या प्रोमोट वीडियो नहीं है कि उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा पैसा लेके भला बुरा कह दूँ, खराब को अच्छा कह दूँ। जो ठीक है सो ठीक है, जो खराब है सो खराब है। लेकिन ओवरऑल मेरा ये जो होटल हिल्टन है, इसका मुझे फूड क्वालिटी, इसका टेस्ट सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर एक लाइक देके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ये लाइक के वजह से ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत उत्साह मिलता है। तो टारगेट करते हैं इस वीडियो के लिए कम से कम 50 लाइक तो आ जाना चाहिए। ये वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ जरूर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये होटल हिल्टन के बारे में अच्छे से पता चले और वो लोग भी यहाँ आके खाना खा के जाए। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाके फूड जरूर लिख दीजिएगा। और ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके साथ भी अगर कभी कोई ऐसे इंसिडेंट हुए है कि नहीं, अगर हुए है तो वहाँ से आप क्या रिएक्ट किए थे और वहाँ से आप क्या सीख मिले थे आपको, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप में से हर किसी का कमेंट का जरूर रिप्लाई करता हूँ और पढ़ता भी हूँ, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आई बटन में मैंने जो वीडियो सजेस्ट किए हैं वो चेक करना मत भूलिएगा, और वीडियो के एंड में जो मैं वीडियो सजेस्ट करता हूँ उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने के लिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ऊपर आई बटन में दिए गए मेरे वीडियोज़ को चेक करने के लिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबाने के लिए, आप सबको मेरे दिल की गहराई से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।